नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस सेशन को आप इतना प्यार दीजिए और सच में दे भी रहे हैं। अच्छा लग रहा है मुझे, हमें भी अच्छा लगता है। थोड़ी सी जो मोटिवेशन पावर होता है वो जनरेट होता है, कुछ होता नहीं है। बस यही हम कहना चाहते हैं कि आप लोग बहुत शिद्दत के साथ देखते रहिए, सारी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी। यह चीज़ें आपको सुपर टेट तक काम देने वाली हैं, यूपी टेट तक, क्योंकि इस सेशन को हम यूपी टेट में भी जोड़ेंगे, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का क्लास और प्लस सुपर टेट वाले लेक्चर में भी जोड़ेंगे। आधुनिक हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक इतिहास के बारे में। अब आधुनिक इतिहास का जो शुरुआत होता है लगभग कॉलेज वास्को डी गामा के आने से स्टार्ट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा कि जो पुर्तगाली थे सबसे पहले भारत में आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लैंड, फिर अंग्रेज़ आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। लास्ट में फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में अपनी कंपनी सूरत में बनाते हैं। वहीं पर देखा जाए सबसे पहली कंपनी जो अंग्रेज़ का बनता है सूरत में 1608 ईस्वी में बनना स्टार्ट हो जाता है, जब वो अकबर से फरमान जारी करा के लेके जहांगीर से फरमान जारी करा के लेके आते हैं। अब जहांगीर फरमान दे देता है कि भैया जाओ आप कंपनी बना लो सूरत में। जब वो सूरत में कंपनी बनाने लगते हैं तो वहीं पर अन्य जो विदेशी थे उनसे एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। जब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उनसे उनके साथ देखने को मिलता है तो अपना एक तरह से वहाँ का जो कोठी बनाए रहते हैं उसको छोड़कर वो चले आते हैं, पहले मसूलीपट्टनम का कोठी बनाते हैं। तो पूछा जाता है मसूलीपट्टनम का इनका कोठी जो है 1611 में बन के तैयार होता है अंग्रेज़ों का, और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें जो 1608 ईस्वी में शुरू हुआ था वह जाकर तैयार होता है 1613 ईस्वी में। तो इस तरह से पूछा जाता है कभी कभी कि सबसे पहले अंग्रेज़ों की कंपनी कहाँ बनना स्टार्ट हुआ, तो बता देंगे सूरत में 1608 से 1613 में बन के तैयार हुआ। लेकिन सबसे पहले बन के तैयार कौन सा हुआ, तो मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है 1611 बन के तैयार हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके पहले आपको बताया सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 ईस्वी में, वास्को डी गामा होता है, एक तरह से कोलंबस होता है, चला जाता है उधर अमेरिका खोज लेता है, और 1498 में वास्को डी गामा आते हैं भारत की खोज कर लेते हैं। भारत के जिस रास्ते से वह जाते हैं पानी वाले रास्ते को हम किस नाम से जानते हैं, पोप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। ये सारी बातें हम पढ़े हैं। और पुर्तगाल के विषय में भी हमने कल चर्चा करा था कि उसमें तीन, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, मतलब एक तरह से वास्को डी गामा आते हैं, उसके बाद उसमें तीन वायसराय यानी कि जो वहाँ के गवर्नर होते हैं वह उनको भेजा जाता है। सबसे पहले जो गवर्नर आता है फ्रांसिसी डी अल्मीडा आता है, फ्रांसिसी डी अल्मीडा के बाद आता है आपका अल्बुकर, अल्बुकर के साथ एक तरह से वहाँ के जो राजा होते हैं उसको हरा कर गोवा अपने पक्ष में कर लिया जाता है 1515 ईस्वी के आसपास में, वह आता है अल्बुकर। दूसरा वायसराय रहता है, वह आता है तो एक तरह से एक ऐसी नीति भी लागू कर देता है कि भाई जो कह लीजिए कि जो ऐसी नीति लागू कर देता है कि जो यहाँ की औरतें हैं, जो यहाँ की विधवा लोग हैं, एक तरह से वह हमारे लोगों से शादी करें और अपनी जो प्रचार प्रसार है ईसाई धर्म का वो करने लगता है। फिर इसके बाद नीनोडी कुन्हा आता है तीसरे नंबर पर वायसराय। नीनोडी कुन्हा का भी काम यही होता है कि एक तरह से जो गोवा होता है उसे राजधानी बना लेता है और इनके रहमोक्रम पे चलने लगता है। एक तरह से कल जो ब्लू पॉलिसी, जो ब्लू वाटर पॉलिसी जो लॉन्च किया गया था अल्बुकर्क द्वारा, उसका मतलब यह साफ साफ था कि हिंद महासागर वाले क्षेत्र में अपना दबदबा बना लेना। ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ा था। आज जो पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, मस्त तरीके से देखेंगे अंग्रेज़ों की स्थिति, राजनीतिक स्थिति में कैसे हस्तक्षेप करने लगते हैं। इसके बाद हम छोटे छोटे लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें कि बक्सर के युद्ध के बारे में और प्लस प्लासी के युद्ध के बारे में समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। आपको एक एक लेक्चर बहुत ही शानदार तरीके से दिया जा रहा है जिससे कि आप भविष्य के लिए सुपर टेट के लिए सच में तैयारी कर सकें अपना, क्योंकि ये सारे क्लास हम सुपर टेट में भी जोड़ देंगे जिससे कि आप सारी चीज़ें देख सकेंगे, या फिर किसी भी एग्जाम में बैठे हैं तो इस तरह कहानी के माध्यम से अगर सुन लेते हैं बहुत बार तो आपको बहुत मजा आएगा। चलिए अब देखिए, यूरोपीय कंपनी, अगर यूरोपीय क्षेत्र की बात करें, यूरोपीय क्षेत्र व्यापारिक के लिए सबसे पहले एक तरह से होड़ मच गया था। उस समय अगर बात करें जब यह एक तरह से वहाँ पे होड़ मचा था यूरोप में और भारत में मुगलों का शासन था, वो भारत में आकर व्यापार करना चाहते थे क्योंकि भारत में बहुत सारे कच्चे माल थे, एक तरह से खरीदते थे वो लोग, खरीद कर सारा का सारा माल वह ले जाते थे वहाँ पर, एक तरह से डंप करते थे वहाँ पर, डंप करने के मतलब एक तरह से वहाँ पर ले जाते थे, डंप करने का मतलब एक तरह से वहाँ पर ले जाते थे मशीन वगैरह था वहाँ से, एक तरह से रॉ मार्क्स ले जाकर अच्छे अच्छे उत्पादकता कपड़े वगैरह जो हमारे यहाँ एक कपड़े या फिर 10 मील कपड़े बनाने में लग जाता था महीनों, वो तुरंत बना के सिल करते थे, और वह चीज़ें ले जाकर वह जूट हो गया, नील की खेती हो गई, सारी चीज़ें वह ले जाकर मसाले वगैरह ले जाकर वह बहुत आमदनी कमाते थे और उस चीज़ को बनाकर वह भारत में लाकर डंप करते थे। अभी अनेक जो पूर्वी देश थे वहाँ पर ले जाकर डंप करते थे, जैसे इंडोनेशिया हो गया, यूरोप से देखेंगे तो पूरब में ही पड़ेगा ना, तो इंडोनेशिया हो गया, इधर हो गया आपका यमन ओमान, मतलब बहुत सारी कंट्री जो इतनी हो गई सबके यहाँ लाकर वो डंप करते थे। तो इस तरह से उनका यह दबदबा चलता रहा। धीरे धीरे यह कंपनियाँ अपनी एक तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप में भी एक तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगे भारत के क्षेत्र में। पहले तो वह व्यापार करने के मकसद से आया था, लेकिन धीरे धीरे इनको लगने लगा कि भारत के लोग ऐसे मतलब एक तरह से कूटनीतिक तरीके से भारत से ट्रीट आने लगे, राजनीतिक कारणों में वो दखल देने लगे। तो ये चीज़ें एक तरह से उनके पक्ष में चली जाती हैं और सच में वह एक तरह से भारत को उपनिवेश क्षेत्र के रूप में बना के रख लेते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े क्षेत्र थे जैसे कि मतलब एक तरह से हमारा बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, कोलकाता वाला क्षेत्र हो गया, मद्रास वाला क्षेत्र हो गया, प्लस बंबई वाला क्षेत्र हो गया, सच में उनके हाथ में हो गया था, क्योंकि इन तीनों जगह उनकी कोठियाँ भी थी विशालकाय रूप में और वह
इन तीनों क्षेत्रों से पूरे भारत को घेर के रखे थे और अपना मनमाना चला रहे थे। सच में जो राजा महाराजा थे, जो मुगलों का शासन था, उसको पूरा तरीके से वो समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी कंपनी की अगर बात करें, अंग्रेजी कंपनी की ओर चलें तो 13 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को अंग्रेज की जो महारानी थी, अंग्रेजी महारानी जो इंग्लैंड की महारानी थी, उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। याद रखेंगे जब 1631 याद रखेंगे डेट भाई 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में जो एक तरह से कह लीजिए जो अंग्रेजी कंपनी सबसे पहले भारत में आती है, उस समय एलिजाबेथ प्रथम का वहाँ पर शासन था। आपसे पूछा जाता है कि जब सबसे पहले कंपनी आई थी तो वहाँ पर शासन किसका था, एक तरह से कंपनी को बनाने के लिए कौन बनाया था, तो बताने के एलिजाबेथ प्रथम ने बनाकर भेजा था कि भैया जाओ पूर्वी वाले देश में, आप क्या करो अपना एक तरह से बनाओ और एक तरह से व्यापार करो। वो आ जाती है कंपनी एक तरह से व्यापार के रूप में पूरब सारी सारे देशों में, भारत ही नहीं इंडोनेशिया प्लस इधर जो सिंगापुर है इन सब जगह अपना व्यापार करने लगती है। और रही बात चीन में सबसे बड़ी एक तरह से चाय की खेती करती, चाय का व्यापार होता था इन लोग का, इंडिगो का व्यापार होता था, इस सब का बहुत ज़्यादा, जूट का व्यापार होता था, ये सब बहुत बड़े पैमाने पर होते थे व्यापार इन लोग का। और बाद में आपको पता है कि एक तरह से बहुत ज़्यादा एक्ट आते हैं, एक्ट के माध्यम से सारे व्यापार के जो एक तरह से सारे व्यापार होते हैं उनसे छीन लिया जाता है, लेकिन लास्ट में एक तरह से चाय का व्यापार एक चीन के साथ रहा जाता है। बाद में वो भी जाके लगभग 1930 के आसपास में वो भी ख़त्म हो जाता है, एक तरह से एकाधिकार उनका ख़त्म कर लिया जाता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे मस्त तरीके से, पढ़ते चलिए। अब देखिए जब कंपनी की स्थापना हो जाती है, क्योंकि सन 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी की स्थापना कर दी, उस समय भारत का जो भारत पर जो शासन था महान अकबर का रहता है। लेकिन यहाँ पर एक घटना देखने को हमको मिल जाता है कि 1603 ईस्वी में इधर महारानी एलिजाबेथ का डेथ हो जाता है। 1603 ईस्वी में जब इनका डेथ हो जाता है तो यहाँ पर एक राजा आते हैं, है इनका डेथ होने के बाद एक राजा आते हैं जिनका नाम होता है जेम्स प्रथम। याद रखेंगे जेम्स प्रथम एक राजा वहाँ के राजा बनते हैं जेम्स प्रथम, और इनके नेतृत्व में दो लोग होते हैं। एक का नाम होता है, इनके नेतृत्व में जो आते हैं एक तरह से वो निकलते तो हैं अकबर के लिए, क्योंकि अकबर का भी मृत्यु हो चुका था 1605 ईस्वी में, और वहाँ पर जो भारत में शासन था जहांगीर का हो चुका था। तो वहाँ के जो राजदूत थे जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया था दो राजदूत, जो पहला राजदूत था वो आता है भैया 1608 ईस्वी में पहला राजदूत किसके द्वारा भेजा गया था, तो बता देंगे जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया था, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस नाम था। इस कैप्टन हॉकिंस के द्वारा मतलब आकर यहाँ पे बोला जाता है, आपसे एक चीज़ बहुत बार पूछा जाता है, ये जो कैप्टन हॉकिंस था किसका फरमान लेकर आया था भारत में, तो बताएंगे जेम्स प्रथम का फरमान लेकर भारत में आया था। किसके लिए लेके आया था? बता देंगे अकबर के लिए लेके आया था। 1608 में अकबर तो था नहीं, हम पागल नहीं है, सारी चीज़ें बताते हुए चलते, बस समझते चलिए। अकबर के लिए लेके आया था, क्योंकि इसे पता ना था ना इसे पता था कि भारत में किसका असल में शासन चल रहा है, बस यही सब लोग मानते थे कि भैया जब भारत में 1556 के बाद जो शासन आ गया था वह मुगल में किसका आ गया था? अकबर का था, 1606 तक रहता है। अब 1606 तक अकबर का जो शासन होता है काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा शासन होता है, लेकिन अकबर 1605 में निकल लेते हैं और 1608 में जेम्स प्रथम का फरमान लेकर यह कैप्टन हॉकिंस आता है अकबर के दरबार में। इस बात को याद रखना, आता है अकबर के दरबार में, लेकिन जब ये दरबार में पहुँचता है तो वहाँ पर शासन किसका होता है? जहांगीर का शासन कर रहा होता है। तो ये चीज़ें तीन बात पूछी जाती है आपसे, किसका वो फरमान लेकर आया था कैप्टन हॉकिंस, तो बता देंगे जेम्स प्रथम का। कब लेकर आया था? 1608 ईस्वी में कंपनी के लिए लेकर आया था, जो कि सूरत में कंपनी बनना स्टार्ट हुआ था 1608 में। इसे ऑर्डर मिल जाता है, लेकिन किसके लिए लेकर आया था पूछा जाता है, तो बताएंगे अकबर के लिए लेकर आया था। किसके जगह पहुंचा था? किसके लिए लेकर आया था? अकबर के लिए। और कहां पहुंचा था? किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। ये चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, यहां से याद रखेंगे। अभी अपना फरमान लेकर पहुंचता है 1608 ईस्वी में जहांगीर के पास, जहांगीर इसे एक तरह से छूट दे देते हैं, भैया जाओ आपका फरमान जो है वो मिलता है, आप जाकर अपना व्यापार करो। खुले रूप में व्यापार करना शुरू करता है, जैसे सूरत में जाता है अपनी कोठी बनाने के लिए। सूरत वही जो गुजरात वाला है भाई, वहीं पर सबसे पहला 1668 में कह लीजिए कि फ्रांसीसी भी अपनी कंपनी बनाए थे, लेकिन वहाँ पर जो सूरत वाला क्षेत्र था वहाँ पर एक फ्रांसीसी प्लस पुर्तगाल और बहुत सारे चीज़ों को देखकर, बहुत सारे देशों को देखकर वहाँ पर एक तरह से फिर से कॉन्फ्लिक्ट का माहौल जनरेट हो जाता है, झगड़े लड़ाई विवाद बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है। अब वहीं पर स्टे लग जाता है जहांगीर, उस पर स्टे लगा देते हैं कि भैया सूरत वाला जो आपका क्षेत्र है ना, हम ये नहीं कहते यहाँ पर कंपनी यहाँ पर बनाओ, लेकिन कुछ दिन के लिए रोक दो। तब कि कुछ दिन के लिए सारी चीज़ें रुक जाती हैं, क्योंकि उस समय जहांगीर यानी कि मुगलों से अगर भिड़ने का मतलब था कि वह पूर्व मुगल काल थे, उत्तर मुगल काल नहीं था कि वह सब मतलब एक तरह से नाचने गाने बजाने में मगन थे, तो यह
पूर्व मुगल काल था, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत पावरफुल लोग थे, काट पीट कर फेंक फेंक देते, पता ही नहीं चलता इन लोग का। अभी बताएंगे औरंगजेब की घटना, देखना। औरंगजेब दौड़ा दौड़ा के मारा था, चाहता औरंगजेब तो आज भारत में भारत उपनिवेश नहीं होता इन लोग का, लेकिन वहाँ पर औरंगजेब के पैर पर गिर गया था एक बंदा, अंग्रेजी बंदा। उसके बाद से ही सारी माहौल बिगड़ने लगती है हमारे क्षेत्र में जब औरंगजेब मर जाता है। तो 1608 ईस्वी में ऐसे कंपनी की शुरुआत हो जाती है सूरत में, लेकिन यहाँ पर हमको कंपनी बनती हुई नहीं दिखाई देती है, कॉन्फ्लिक्ट के कारण वहाँ पर स्टे लग जाता है। अब यह कंपनी बनाने लगते हैं मसूलीपट्टनम, कहाँ पर? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। कब से बनाना स्टार्ट करते हैं? 1608 ईस्वी से बनाना स्टार्ट करते हैं और 1611 में वो कंपनी पूरी भी हो जाती है। अब बनाना स्टार्ट किए थे सूरत में, सबसे पहले पूरा हुआ मसूलीपट्टनम का कंपनी, कब? 1611 में। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो अंग्रेज थे वो सबसे पहले कंपनी बनाना कहाँ स्टार्ट किए थे? तो सूरत में बनाना स्टार्ट किए थे 1608 ईस्वी में। सबसे पहले पूछा जाता है तो लोग बच्चे सूरत ही लगाते हैं, लेकिन कभी काल के क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि बताइए सबसे पहली जो कंपनी थी कौन से बन के तैयार हुई थी, तो बच्चे सूरत लगा देते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 1611 ईस्वी में इनकी यह कंपनी बन के तैयार हो गई थी, कोठी इससे बोलते थे लोग, कोठी यानी कि कंपनी। तो ये बन के तैयार हो गई थी इनका एक तरह से। और जो ये वाला सूरत वाला था ये 1613 ईस्वी में बन के तैयार होता है। इस तरह से हमको यहाँ पर संरचना देखने को मिलता है। अब दूसरी तरफ अगर बात करें, एक और आते हैं कलेजे राजदूत आते हैं 1615 ईस्वी में, जिसका नाम रहता है जेम्स टॉमस रो। यह भी आते हैं सन 1615 ईस्वी में, यह भी फरमान लेके आते हैं जहांगीर के दरबार में ही आते हैं, जेम्स प्रथम का फरमान लेके आते हैं। और 1608 ईस्वी में कौन आया था भाई, याद रखेंगे? कैप्टन हॉकिंस आता है। तो चला था किसके दरबार में आने के लिए? अकबर के, लेकिन पहुंचता है जहांगीर के, और ये भी जहांगीर के ही दरबार में आता है 1615 ईस्वी में। अब यह 1615 ईस्वी में आता है तो यह बस यहाँ से याद रखना है कि यह भी 1615 ईस्वी में आया था जहांगीर के दरबार में, ठीक है भाई। अपना फरमान लेकर आता है और कुछ रियायतें मांगता है कि भैया हमें व्यापार करने का छूट दीजिए, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में पूरा एक तरह से कम टैक्स लगाइए। तो सारी चीज़ें मान लेते हैं जहांगीर, क्योंकि ये लोग बहुत ही एक तरह से मीठे बोली वाले थे, और मीठे बोल के जहांगीर या फिर मुगलों को पागल बना दिए थे लोग। और सच में मुगल इनकी बातों पर आते रहे, मिठाई वाले क्षेत्र में पढ़ते रहे, और बाद में सच में यह पूरे भारत को इस तरह से उपनिवेश बना लिए कि सच में भारत को पूरा सक करके रख दिए, निचोड़ लिए, भारत का जूस निकाल लिए। और जो चीज़ें हमारे भारत में अब आ गई हैं, अब वहाँ से खत्म होने के कगार पर, यानी कि सच में इकोनॉमिक हमारा उनसे बहुत अच्छा हो गया है और हम इनको पिछाड़ चुके हैं अपने इकोनॉमिक GDP रेट में देखा जाए तो। तो इस तरह से याद रखेंगे। अब देखिए ब्रिटेन की स्थिति भारत में मजबूत होने लगी थी धीरे धीरे, क्योंकि अब एक तरह से सारी चीज़ें फरमान इनके पक्ष में होता चला जा रहा था। और इसी तरह देखा जाता है इनके जो प्रतिद्वंदी होते हैं, जैसे कि अदर जो पुर्तगाली होते हैं, फ्रेंच होते हैं, प्लस वेडरा का युद्ध होता है, आपको पता है फ्रांस के साथ होता है वेडरा का युद्ध सन 1761 में आपको पता है पानीपत का भी लड़ाई होती है, और फ्रांस इसी को समेट देते हैं, प्लस पुर्तगाली को भगा देते हैं, गोवा वाले क्षेत्र में ही रह जाते हैं, गोवा वाले बीच तक, गाना सुने ना गोवा वाले बीच पे, तो बस उतने दूरी पर ये लोग रह जाते हैं भैया, उतनी दूरी पर रहकर प्लस अपना कारोबार संभालते हैं। लगभग 19 दिसंबर 1961 को ये लोग छोड़ के जाते हैं। एक ऑपरेशन चलाया जाता है हमारे जो उस समय के जो प्रधानमंत्री होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा प्लस इनको भागना ही पड़ता है, ठीक है ना, बिल्कुल पिटाई खड़ा के इनको, मतलब इधर से बल्ली बराबर मरा के भगाते हैं, इन लोग बिल्कुल भाग जाते हैं। उसके बाद नामो निशान नहीं, गोवा अपना क्षेत्र में हो जाता है। गोवा भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य है, और सबसे बड़ा अगर बात करेंगे तो राजस्थान है भाई, इस तरह से याद रखेंगे। इसके बाद अब क्या होता है कि धीरे धीरे इनका एक तरह से काफ़ी ज़्यादा दबदबा बन जाता है पूरे भारत में, और एक तरह से राजनीतिक हस्तक्षेप भी शुरू कर देते हैं लोग। अब वहीं पे अगर देखा जाए तो इनका एक तरह से कहा जाता है कि भैया इनका एक तरह से खटास भी उत्पन्न हो जाता है, किससे तो बता देंगे, औरंगजेब से। वहीं पर औरंगजेब की बात करें तो दक्षिण भारत में गुलकुंडा नाम का जंगल रहता है, गुलकुंडा का शासक होता है, वहाँ पर एक तरह से सुनहरा फरमान इनके लिए जारी कर देता है। अभी औरंगजेब की घटना बताते हैं, लेकिन एक तरह से गुलकुंडा की बात कर लेते हैं। जो गुलकुंडा का शासक होता है वह इनके लिए एक तरह से सुनहरा फरमान जारी करता है, याद रखेंगे। सुनहरा फरमान इनके लिए कहाँ जारी होता है तो बता देंगे, गोलकुंडा क्षेत्र, जो दक्षिण भारत का एक जगह है, गोलकुंडा क्षेत्र में। कब जारी किया जाता है? 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में इनके लिए एक तरह से सुनहरा फरमान जारी किया जाता है, किसके द्वारा बता देंगे, गोलकुंडा के शासक द्वारा। और इस सुनहरा फरमान में इनको यह चीज़ें बताई जाती हैं कि भैया आप इस वाले क्षेत्र में, यानी दक्षिण भारत, फरमान इस दक्षिण वाले क्षेत्र में आप बिल्कुल फ्री ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और यह ऐसा नहीं कि आप टैक्स नहीं देंगे, टैक्स दे देते थे थोड़ा मोड़ा, लेकिन यह था कि फ्री व्यापार करते थे। इनके द्वारा कोई भी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती थी, एकाधिकार कर लिए थे, और प्लस इसका बहुत भरपूर फायदा उठाया और पूरे दक्षिण भारत को एक कंगाली बना के छोड़ दिए।
इसके बाद यह याद रखेंगे सन 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के जो शासक रहते हैं यह इनको एक तरह से क्या देते हैं, सुनहरा फरमान देते हैं। सुनहरा फरमान कौन दिया था बता दें, गोलकुंडा के शासक दिए थे। कब दिए थे? सन 1632 ईस्वी में दिए थे। किसे दिए थे? अंग्रेजों को दिए थे। क्या करने के लिए दिए थे? फ्री व्यापार करने के लिए दिए थे। सुनहरा फरमान क्या था? इसका मतलब फ्री व्यापार करना था, फ्री टैक्स, मतलब फ्री व्यापार करिए, थोड़ा मोड़ा टैक्स लेते थे। इसके बाद एक स्थिति और बनती है, आपको पता होना चाहिए, जो मुगल में उत्तर मुगल काल में सबसे पहला शासक होता है उसका नाम क्या होता है? बहादुर शाह। बहादुर शाह साहेब खबर के नाम से जानते थे। दूसरे नंबर पर आ जाता है, आपको पता है, जहांदार शाह, लंपट मुर्ख के नाम से जाना जाता था। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जो रहता है, फर्रुखसियर के समय भी इनको एक तरह से कह लीजिए कि मैग्ना काटा कहा जाता है कि भैया फर्रुखसियर के समय इन्हें एक तरह से सुनहरा मौका दिया जाता है, उसका नाम रहता है, लिख लेंगे सुनहरा मौका जो दिया जाता है क्या रहता है, इसको लिख लीजिए पहले। कौन दिया था? यूरोप के मतलब कि अब यह बहुत बड़ी रियायत इनको दिया गया था एक तरह से, किसके द्वारा दिया गया था तो बता देंगे, फर्रुखसियर द्वारा। फर्रुखसियर द्वारा इनको एक तरह से बहुत बड़ी रियायत दी गई थी, बहुत बड़ी रियायत दी गई थी सन 1717 ईस्वी में। सन 1717 ईस्वी में इनको क्या क्या बातें बताई गई थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बहुत बड़ी रियायत दी गई थी। इसको जो रियायत दिया गया था उसको क्या, किस नाम से जानते हैं? कंपनी का मैग्ना कार्टा एक तरह शपथ पत्र था मैग्ना कार्टा, कि भैया इसमें एक चीज़ लिख दिया गया था साफ साफ कि भैया हम आपको क्या क्या चीज़ें देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इनको एक तरह से दिया गया कि भैया आप 10,000 वार्षिक किराए पर आप जो बंगाल वाला क्षेत्र है उस पर आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ट्रेड कर सकते हो। दस हज़ार वार्षिक किराए पर इनको एक तरह से एक छूट दिया गया कि आप बिल्कुल फ्री ट्रेड कर सकते हैं बंगाल कोलकाता वाले क्षेत्र पर बिल्कुल फ्री ट्रेड कर सकते हैं। यह बातें इनसे बोले गया, कौन बोला था? फर्रुखसियर ने बोला था, इस बात को याद रखना है आपको। इसके बाद एक तरह से इनको 1000 का सुनहरा फरमान जारी करा के इनको कहा गया भैया आप बंबई वाला जो क्षेत्र है ना, एक मिनट, 10,000 वाला कौन सा था, एक मिनट रुकिएगा, जो 1000 का था, 1000 वार्षिक वाला क्षेत्र था वो कोलकाता के लिए था, यह पहला था। और दूसरा चीज़ इनको यह कहा गया कि 10,000 रुपये वार्षिक देकर आप, 10,000 रुपये वार्षिक हमको देकर, टैक्स देकर आप क्या कर सकते हैं, जो मद्रास और बम्बई वाले क्षेत्र पर आप क्या करेंगे, बिल्कुल फ्री ट्रेड कर सकते हैं इस वाले क्षेत्र में। यानी कि जो हमारा भारत का यह मैप अगर बनाए रफली, यहाँ पर बंगाल पड़ता है, मतलब कोलकाता वाला क्षेत्र पड़ता है, पहले बंगाल बिहार उड़ीसा एक ही रहा करता था, बंगाल बिहार उड़ीसा या असम और मिला के लगभग पूरा एक होता था, या बांग्लादेश वगैरह, तो कोलकाता वाला क्षेत्र प्लस यहाँ पे मद्रास है जो आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, तो मद्रास वाले क्षेत्र पर प्लस ये बम्बई यहाँ पर है, तो बम्बई वाले क्षेत्र में ये क्या करने लगे, एक तरह से इनका पूर्ण अधिकार हो गया। अब इस वाले क्षेत्र में इनको एक तरह से पूर्ण तरीके से फर्रुखसियर द्वारा इनके फरमान दे दिया गया कि जो मद्रास वाला क्षेत्र है और बम्बई वाला क्षेत्र पर, इस पर आप 10,000 रुपये वार्षिक देकर, वार्षिक किराए पर व्यापार कर सकते हैं, प्लस कोलकाता वाले क्षेत्र पर आप 1,000 रुपये वार्षिक देकर आप अपना व्यापार कर सकते हैं। उधर दूसरी तरफ एक चीज़ और कहा जाता है कि भैया जो अपना सिक्का है, जो अपना क्वाइंस, भैया बहुत बड़ी बात होती है, कोई व्यापारी कंट्री आए उस पर इतना ज़्यादा विश्वास कर लो कि खुद उसका सिक्का आप अपने देश में चला लो। जैसे आज भारत है, भारत अपना पैसा रुपया बंद कर केवल भारत में डॉलर चलाने की बात कर ले, या फिर यूरो, या फिर आपको जो रूबल है रूस का उसको चलाने की बात कर ले, तो सच में बताइए भारत की स्थिति कैसी रह जाएगी? रूस वाला सोचेगा भैया हाँ मेरा सिक्का चल गया, मतलब इस तरह से बहुत बड़ी बातें होंगी, रूस के लिए भी बहुत अच्छी हो जाएगी बातें देखा जाए तो इस तरह क्या होगा कि हमारे भारत में सच में उसका दबदबा बनने लगेगा। और यही हाल हुआ था भारत में कि जो यूरोपीय कंट्रियां थीं, जो इंग्लैंड की कंपनी थी, उसके सिक्का यहाँ पर चालू कर दिया गया, और इसे बोला जाता है बहुत बड़ा मैग्ना कार्टा, यानी विदेशी कंपनी का मैग्ना कार्टा, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। कौन दिया था तो बताएंगे, फर्रुखसियर द्वारा प्रदान किया गया था सन 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को 3 चीज़ें, 1000 पर कलकत्ता में व्यापार, 10,000 में बम्बई और मद्रास में व्यापार, प्लस अपना सिक्का यह चला सकते थे। यह बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ें थी जो इनको एक तरह से बहुत आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बना देती है, और प्लस राजनीतिक तरीके से ये मजबूत होने लगते हैं। आगे चल के आप देखेंगे 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में एक तरह से बक्सर की लड़ाई के बाद ये पूरी ताकत के साथ अपना एक तरह से भारत में दबदबा बना लेते हैं, और सारे जितने राजनेता होते हैं, प्लस जितने मुगल होते हैं, प्लस जितने गवर्नर होते हैं हर क्षेत्र के, उनको खदेड़ देते हैं, और बंगाल, एक तरह से बंगाल बिहार कोलकाता इलाहाबाद की संधि कर लेते हैं सन 1665 ईस्वी में, और एक तरह से पूरे तरीके से भारत में शासन करना स्टार्ट कर देते हैं। और बाद में गांधी जी, एक तरह से गांधी एरा आता है, प्लस बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 1857 क्रांति के बाद हमारा भारत सच में एक तरह से नया मोड़ लेने लगता है, आज़ादी की तरफ बढ़ने लगता है।
बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, अब यहीं पर करते हैं भाई चार्ल्स। अब एक यहां पर एक घटना और देखने को मिल जाता है, जो पुर्तगाल थे, पुर्तगालों की जब शक्तियां कम होने लगती हैं तो पुर्तगाल एक तरह से एक कूटनीतिज्ञ तरीके से एक रचना रचते हैं, क्योंकि आपने इतिहास में पढ़ा है कि कोई भी अगर शक्ति हारती है तो अपनी बहू बेटी की शादी कराकर और संबंध जोड़ने की बात करने लगता है। तो वहीं पर पुर्तगाल जब उसको लग जाता है कि अब सच में हम अंग्रेजों से जीत नहीं सकते, तो एक उनकी राजकुमारी रहती हैं कैथरीन, क्या नाम होता भैया उनके, पुर्तगाली राजधानी, पुर्तगाली राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी, राजकुमारी, पुर्तगाली राजकुमारी का नाम रहता है भैया, क्या नाम रहता है बता देंगे, 1961 के आसपास, सॉरी 1661 के आसपास में शादी हो जाती है, याद रखना है सन 1661 की ईस्वी के आसपास में, सन 1661 की ईस्वी के आसपास में राजकुमारी क्या नाम रहता है भैया, कैथरीन, राजकुमारी कैथरीन, कैथरीन की शादी जो हो जाती है, राजकुमारी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ 1661 ईस्वी में इनकी शादी हो जाती है। अब इस पता है सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होती है, इनकी शादी तो होती ही होती है, प्लस इनको पता है जो पुर्तगाली थे ये बहुत चालाक थे, हमारे भारत में सोचिए हमारे भारत का हिस्सा ही वो बेच रहे थे, इतना ज़्यादा मतलब एक तरह से कब्जिया के रख लिए थे अपना, अपनी कहा जाता है ना अपने बाप का माल समझ के बैठे थे भारत को। अब यह बम्बई को पूरा, जो बम्बई था हमारा ना, इसको एक तरह से दहेज में दे देते हैं, सोचो मतलब तब के लोग हमारे भारत को भी, भारत की ज़मीनों को एक तरह से दहेज में दिया करते थे। तो यह इंग्लैंड को राजकुमार को चार्ल्स द्वितीय को एक तरह से बम्बई दहेज में दे देते हैं। और बाद में चार्ल्स द्वितीय क्या काम करते हैं, सात साल बाद यानी कि 1668 ईस्वी में शादी होती है 1661 में, और 1668 ईस्वी में इस बम्बई को वह दे देते हैं कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड की होती है उसको दे देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। कितने रुपए में देते हैं याद रखना, 10 पाउंड पूछा जाता है भाई, 10 पाउंड वार्षिक दर पर दे देते हैं कि भैया 10 पाउंड हमें हर सालाना दीजिएगा, आप इस कंपनी, इस पूरे जगह का एक तरह से आप उपयोग करिए। यह सारी बातें रहीं। अब इसी चीज़ को एक तरह से देखने को मिल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एक औरंगजेब, हमको पता होगा औरंगजेब से मामला खटास होने लगता है, औरंगजेब से मामला खटास इस वजह से होने लगता है क्योंकि हुगली वाले क्षेत्र पे जो अंग्रेज था, अंग्रेज लोग थे वो एक तरह से कलेजे की बांध बनाने लगे थे, एक तरह से होता है ना भैया ये हमारा क्षेत्र है पूरा का पूरा। अब अंग्रेज, औरंगजेब को पता चलता है कि भैया यह अंग्रेजवा सब परेशान कर दिए हैं, अब तो कोई आकर सूचना देता है बिना पूछे एक तरह से हुगली वाले क्षेत्र में बांध बना रहे हैं, एक तरह से किलाबंदी कर रहे हैं। तो अंग्रेज पहुंच जाता है सेना लेके, पटक पटक के धोता है इन लोग को, एक तरह से खदेड़ देता है। लेकिन वहीं पर एक तरह से हमको देखने को मिल जाता है एक और युद्ध देखने को मिल जाता है, जिसका नाम होता है चार्ल्स चाइल्ड के साथ एक और युद्ध देखने को मिलता है, किसका भाई, औरंगजेब का। भाई पागल रहता है ये बंदा, सारे के सारे पूर्व मुगल काल जो थे ना, सारे के सारे पागल रहते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, इनका लूटना काटना पीटना सब कुछ बराबर रहता है, वैसे जायज होता है इन लोग को, अगर शायद औरंगजेब चाहा होता तो आज भारत पर अंग्रेजों का शासन न होता। लेकिन अब क्या होता है यहाँ पर, जब औरंगजेब के साथ इनकी लड़ाई होती है, ये तो हार तो जाता है, इनके शरण में आ जाता है, लेकिन एक तरह से ये रिक्वेस्ट करता है कि हमको साहब सब कुछ आप दे दो, सब कुछ मार पीट लो, बंदी बना लो, सब कुछ कर लो, लेकिन प्लीज़ अपने शरण से मत जाने दो। तो बस यही एक तरह से भारत को भारी पड़ जाता है। ये चार्ल्स चाइल्ड जो होता है ये अपना कारनामा करना शुरू करता है, फिर बंदा भारत को धीरे धीरे खोखला करना स्टार्ट कर देता है। जब इसे पता चलता है 1707 ईस्वी में इनका डेथ हो जाता है, है ना, फिर इसके बाद अपना कारनामा शुरू करता है, क्लाइव हो गया, फिर उसके बाद आपको पता है कि सारी चीज़ें आने शुरू हो जाती हैं, वहाँ से बहुत बड़े बड़े शासक आने शुरू हो जाते हैं, फिर कंपनी लूटती है, उसके साथ साथ महारानी भी वहाँ की लूटने लगती है साथ में मिलकर 1857 की क्रांति के बाद, मतलब बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। अब दूसरी तरफ समझिएगा एक अच्छा चीज़, ये चार्ल्स जो चाइल्ड है इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसके कहने पर ही अंग्रेजी इसे रुकने दिया था। पूछा जाता है आपसे किस वजह से, किसके कहने पर अंग्रेज फिर से भारत में रुक गए, जब हुगली वाले क्षेत्र में यह तबाही मचा रहे थे तो औरंगजेब ने खदेड़ दिया था, तो फिर भी ये क्यों रुके, किसके कहने पर, तो चार्ल्स चाइल्ड कहने पर, ठीक है। अब देखिए एक यह भारत का जो क्षेत्र है, पूछा जाता है आपसे यह वाला कोलकाता वाला क्षेत्र और प्लस यह मद्रास वाला क्षेत्र, मद्रास आपको पता होगा मित्र, एक हमारा एक यहाँ पर बम्बई वाला क्षेत्र आपको पता है सबसे ज़्यादा शहरी आबादी बम्बई में है, और सबसे ज़्यादा जो गांव की आबादी है यूपी में है आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें मद्रास, यहीं पर आपको पता है कि आपका एक कौन सा क्षेत्र पड़ जाता है,
कर लीजिए भाई, पांडिचेरी। पांडिचेरी आपको पता है यहाँ पे केरल है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर आपका तमिलनाडु है। तो जो हम बताएंगे इसे ज्योग्राफी में वैसे बता दिए हैं, आप लोग देखना चाहते हैं देख लीजिए आकर प्ले लिस्ट में। तो अगर बात करें जो यहाँ पर आपका पांडिचेरी है, पांडिचेरी में चार ज़िले हैं। पांडिचेरी में कितने ज़िले हैं? चार ज़िले हैं। कौन कौन से? माहे, यनम और कराईकल। कराईकल जो इसका कैपिटल है पांडिचेरी का, एक तरह से यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है, यूटी है भारत का, यानी केंद्र शासित प्रदेश है कराईकल। अब देखिए इसके चार ज़िले हैं लेकिन तीन राज्यों में फैले हुए हैं। पांडिचेरी खुद एक ज़िला है। पांडिचेरी अब पौडुचेरी के नाम से जाना जाता है। तो पांडिचेरी का जो कैपिटल है कराईकल है। पांडिचेरी यहाँ पर है तमिलनाडु में और यहाँ पर कराईकल है। और जो यह माहे है ना, माहे केरल में स्थित है, यहाँ पर स्थित है बिल्कुल ऊपर केरल की तरफ। और जो यनम है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है यहाँ पर। तो ये चार ज़िले चार जगह पर है, इसको हम बताएंगे। वैसे इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी, हम आपको एक तरह से इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिए। अब देखिए मद्रास, बम्बई, कोलकाता, एक तरह से इनका एक तरह से किलाबंदी था। यहाँ पर वो क्षेत्र में बिल्कुल अपना दबदबा बना के रखे थे। पूछा जाता है कलकत्ता में जो उनका किलाबंदी था उसका नाम क्या था, बता देंगे। फोर्ट विलियम जो यहाँ का किला था, इसका जो हेड था बता देंगे आयरकूट था, याद रखेंगे। ये पूछा जाता है आपसे, आयरकूट था और ये बिल्कुल दबदबा बना के रखा था। इसके बाद मद्रास में एक किला था इनका, याद रखेंगे। मद्रास के किला को क्या कहते हैं? फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या कहते हैं? फोर्ट सेंट जॉर्ज, जॉर्ज के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर बम्बई का किला था उसको किस नाम से जानते हैं, याद रखना है। बम्बई वाले को किस नाम से जानते हैं? एक तरह से कह लीजिए कि बम्बई वाले और बम्बई के नाम से ही जानते हैं, जो चार्ल्स द्वितीय ने अब कैथरीन की शादी के बाद दे दिया था सन 1668 ईस्वी में। तो ये तीनों की तीनों प्रेसिडेंसियाँ हैं। पूछा जाता है अंग्रेज की तीनों प्रेसिडेंसी का नाम बताइए। अंग्रेजों के तीन प्रेसिडेंसी आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन में दे देगा, बताइए इनमें से कौन सा अंग्रेज की प्रेसिडेंटी नहीं है। दिल्ली भी देता है ऑप्शन में, बम्बई देगा, मद्रास देगा, मद्रास मतलब चेन्नई, तो ये मत समझिएगा चेन्नई दे देगा तो गलत कर दीजिएगा। मद्रास, कोलकाता और सबसे पहले दिल्ली दे के रखा रहता है। तो बच्चों के दिमाग में दिल्ली तो होता ही है कि भाई दिल्ली, आपको बताया कि जो राजपूत होते हैं, जो मुग़ल होते हैं, जो जो आपके सल्तनत काल होता है, सब दिल्ली पे शासन किए हैं और आज भी दिल्ली भारत का केंद्र बना हुआ है। तो दिल्ली सभी लोग नहीं जुड़े हैं, सभी लोग कलकत्ता मद्रास इस समय कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना यही तीन थे, दिल्ली नहीं था उस समय प्रेसिडेंसी। तो बस ये था, कल स्टार्ट करेंगे फ्रांसीसियों का, इस तरह से सफाया करने के बाद पुर्तगालियों का, फिर स्टार्ट करेंगे बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, फिर उसके बाद हम एक सेपरेट लेक्चर लाएंगे गांधी जी के ऊपर, पूरा का पूरा गांधी जी के बारे में खत्म। एक सेपरेट लेक्चर लाएंगे पूरा का पूरा, जितना आपका 1885 वाला जो INC का जो अध्यक्षता हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसके ऊपर इस तरह से आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल सिमेट के रख देंगे। जितनी चीज़ें सच में आपके PT एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आती हैं, वो चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगी, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। बस आशा करते हैं कि मित्र अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है तो आप मित्र ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के प्रयास करें, क्योंकि अच्छी चीज़ है, फैलाएंगे तो आपके साथ वाले सच में कहेंगे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर फैलाए हो। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप उनके तक पहुँचाइए और अपने भाइयों को जरूर बताएं, क्योंकि इतिहास सबको पढ़ना है, भूगोल सबको पढ़ना है, SSC सबको पढ़ना है, मैथ सबको पढ़ना है। 16 सब्जेक्ट हैं, 16 सब्जेक्ट को अगर आप स्किप करते हो किसी एक सब्जेक्ट को तो सिलेक्शन रुक जाएगा आपका। तो बस यही है, कंपटीशन बढ़ गया है, तो कंपटीशन के वाले क्षेत्र में सच में अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो सच में हमारे लिए बनाया गया है, तो आपकी भी फर्ज है कि सच में बड़ा करें। आपसे विनती है कि आप अपने गुरुदेव की दक्षिणा के रूप में ना सही लेकिन प्लस प्यार के रूप में, सच में अपने भाई मानते हैं तो प्यार के रूप में जो लोग मिले, जिससे भी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, शरमाए नहीं, जो भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, मोबाइल लेकर उसे बता दें कि यहाँ पर किसी प्लेटफॉर्म पर आप किसी कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग में प्रचार प्रसार करने का काम कर सकते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज में बताने का काम कर सकते हैं, ये आपका फर्ज है। धन्यवाद।